नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज दोपहर को मैच होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2020 में। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे हेड टू हेड, हाइस्ट स्कोर, टॉस की प्रेडिक्शन, टीम प्रेडिक्शन और ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन, और ड्रीम इलेवन की टीम भी हम इसके साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड की। अब तक इन दोनों टीमों के बीच 11 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 और राजस्थान रॉयल्स ने 5 मैच जीते हैं। इन दोनों टीमों के बीच हाई स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का हाई स्कोर है 201, तो राजस्थान रॉयल्स का हाई स्कोर है 198। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का लोएस्ट स्कोर है 127, तो वही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है 102, जो लोएस्ट स्कोर है। अब बात करते हैं टॉस के प्रेडिक्शन की। दोस्तों, इस मैच में जो टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे गर्मी बहुत है और ये दिन मैच दोपहर को होने वाला है, तो धूप भी काफ़ी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि फील्डिंग करने की ताकत किसी भी मतलब टीम में हो सकती है, इसलिए जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 की। तो इसमें सबसे पहले ओपनर हो गए जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर। इसके बाद वन डाउन पर रहेंगे केन विलियमसन। इसके बाद आएंगे मनीष पांडे। इसके बाद आएंगे अब्दुल समद। और इसके बाद रहेंगे अभिषेक शर्मा, रियान पराग, माफ कीजिएगा, प्रियम गर्ग। इसके बाद संदीप शर्मा गेंदबाजी का क्रम संभालेंगे, रशीद खान, टी नटराजन और खलील अहमद। इस तरह की टीम कल यानी आज रह सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। इसमें ओपनिंग के लिए आएंगे बटलर तो फिक्स रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल एक चेंज यहां पे देखने को मिले, जायसवाल या उथप्पा, इन दोनों में से प्लेइंग 11 में एक रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस तो जायसवाल के ही। इसके बाद वन डाउन आएंगे स्टीव स्मिथ। इसके बाद संजू सैमसन। इसके बाद फिर से यहाँ पर लोरमोर और रियान पराग में से एक कोई भी खेलेगा और एक बाहर शायद जा सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बेन स्टोक्स कल का मैच खेलने वाले हैं, यानी वो उपलब्ध है और उन्हें टीम में लेना या ना लेना राजस्थान रॉयल्स के हाथ में, लेकिन वो अब पूरी तरह से टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स कल कमबैक जरूर करेंगे। इसके बाद तेवतिया, जोफ्रा आर्चर और मुझे लगता है कि कल के टीम में श्रेयस गोपाल की जगह मयंक मारकंडे खेल सकते हैं, तो इन दोनों में से एक टीम में रहेंगे। इसके बाद वरुण अरुण और आखिरी होंगे तो जयदेव उनाटकर। तो इस तरह से दोनों की टीमें रहेगी। अब हम चलते हैं सीधे ड्रीम इलेवन की टीम बनाते हैं, जो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगी। ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम हम देखने वाले हैं, तो हम सबसे पहले गूगल में डालेंगे ड्रीम इलेवन और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से ही लॉगिन है, तो चलेंगे SRH वर्सेस RR के मैच पर हमें क्लिक करनी है। इसके बाद क्रिएटर टीम पे क्लिक करनी है। अब हम आ गए हैं विकेट कीपर पर। दोस्तों, विकेट कीपर में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन हैं, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर और संजू सैमसन। हमें यहाँ पे तीनों के तीनों चूज करने हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेयरस्टो ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे और उन्हें भी टीम में शामिल करना ही होगा। उसके बाद बटलर अभी शुरुआत पहले एक दो मैच के बाद अब वो भी अच्छे से फॉर्म में आ चुके हैं और देख सकते हैं कि 208 पॉइंट उन्होंने कुछ ही मैचों में दिए हैं, तो हमें इन्हें भी टीम से बाहर रखना नहीं पड़ेगा। और संजू सैमसन, उन्होंने हालांकि पहली शुरुआत के 2-3 मैचेस अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इन्हें बाहर रख देते हैं और वो फिर से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देते तो हमारी कोई भी लीग हमने लगाई है उसका पूरी तरह से ये हो जाएगा, खराबी हो जाएगी। तो हम इन तीनों कीपर को यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब चलेंगे सीधे बल्लेबाजी पर। दोस्तों, बल्लेबाजी में हमें डेविड वार्नर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अकेले के दम पे कई मैचेस जिता चुके हैं और आगे भी जिताते रहेंगे। केन विलियमसन
पहले मैच छोड़ दी जाए तो इतना कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा है, इसलिए हम उन्हें इस यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हमें क्रेडिट की काफ़ी परेशानियाँ आने वाली हैं। अब स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ को हम ज़रूर अपने प्लेइंग 11 में लेंगे, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त कप्तान के साथ साथ एक ज़बरदस्त बल्लेबाज भी है और वो कभी भी खेल को अपनी ओर खींच सकते हैं, तो हम इनको अपनी टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके बाद हमें अपनी टीम में पराग को शामिल करना है, क्योंकि वो 144 पॉइंट अब तक दे चुके हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद हमें रियान पराग को लेना है, ये प्रियम गर्ग थे तो हमने इन्हें भी चूज़ किया है और अब ये रियान पराग है, इन्हें भी हम चूज़ ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहे तो जयसवाल को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब चलते हैं गेंदबाजी पर। गेंदबाजी में हमें जोफ्रा आर्चर को नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक हमें बड़ा फैसला लेना है दोस्तों, यहाँ रशीद खान हमें इस लीग में हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट काफ़ी कम है और हमें अभी भी 3 प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करना है, इसलिए रशीद खान को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं नीचे, सबसे पहले चूज़ करते हैं खलील अहमद को। खलील अहमद काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि उन्हें मार भी पड़ती है लेकिन वो विकेट्स भी लेते हैं। इसके बाद हमें और एक 8 पॉइंट का एक अच्छा गेंदबाज है, वो है संदीप शर्मा, इसे भी हम अपने टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब हम जाएंगे ऑलराउंडर्स पर। देखिए यहाँ पे काफ़ी आपके पास ऑप्शंस है, बेन स्टोक्स है, तेवतिया है, समद है, शर्मा है, काफ़ी लोरमोर है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम बेन स्टोक्स को टीम में जगह देंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स एक इंटरनेशनल प्लेयर है तो वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं, इसीलिए हम उनको अपनी टीम में जगह दे रहे हैं, ताकि अगर वो टीम में आए और अगर अच्छा प्रदर्शन कर दिए तो हमारी लीग हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पहली मैच रहेगी और लोग सोचेंगे कि वो प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने कर लिया प्रदर्शन अच्छा तो हम ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे क्रेडिट 0 हो चुके हैं, इसलिए हमने आज रशीद खान को छोड़कर बेन स्टोक्स को लिया है, क्योंकि बेन स्टोक्स एक गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन रशीद खान काफ़ी नीचे आएंगे बल्लेबाजी में और बेन स्टोक्स इतनी अच्छी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाएंगे, और जोफ्रा आर्चर रशीद खान से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए हमने उनको रखा है टीम में। और अब देख पाएंगे रशीद खान के 9.5 पॉइंट है और जोफ्रा आर्चर के 9 पॉइंट है, तो और जोफ्रा आर्चर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं उनसे, तो इसलिए हमने जोफ्रा आर्चर को रखा है और रशीद खान को टीम में नहीं लिया है और बेन स्टोक्स हमने अपनी टीम में बिठा लिए हैं। तो इस तरह से हमारी ये टीम बन चुकी है। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कप्तान और वाइस कप्तान हम किसे बनाएं। तो आप जॉनी बेरिस्टो, संजू सैमसन, बटलर, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इनमें से किसी को भी कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप जोफ्रा आर्चर को भी वाइस कप्तान या वाइस कप्तान चुन सकते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेविड वार्नर को कप्तान बनाऊँगा और जॉस बटलर को वाइस कप्तान बनाऊंगा, क्योंकि डेविड वार्नर तो काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज है और इसके साथ फील्डर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो कैचेस वगैरह वो पकड़ते हैं तो हमें उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और दूसरी बात रही बात बटलर की, तो बटलर कीपर है और कीपिंग में हमेशा कैच स्टंपिंग वगैरह तो मिलती ही रहती है, तो इसके भी हमें एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर मिलेंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को कप्तान और वाइस कप्तान बनाया है। तो आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।